हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफाली। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे जो कि मैंने यहाँ पर वापस से लिख दिए हैं। फर्स्ट है मास, एक्शन लो, थर्मल वोल्टेज, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड एंड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वैलेंस बैंड। तो ये जो फॉर्मूले ही हमने लास्ट वीडियो में डिराइव कर लिए थे, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें हम थर्ड और फोर्थ यानी कि एन और पी को रिप्लेस कर देंगे जो कि हमने पहले फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। हमें मिलेगा एन सी एन वी ई पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी ई पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, मास एक्शन लो। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा एन सी एन वी, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस ई सी माइनस ई वी अपॉन के टी। अब देखो ई सी माइनस ई वी क्या होता है, बैंड गैप एनर्जी। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे एन सी एन वी ई पावर माइनस ई जी अपॉन के टी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। तो देखो ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई हमारे, रूट ऑफ एन सी एन वी ई पावर माइनस ई जी अपॉन टू के टी, ये हो गई हमारी इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम डिपेंडेंस की बात करते हैं। यहाँ पर देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस सबसे पहले देखते हैं। एन सी जो कि है डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड, ये कुछ इस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एन वी भी सिमिलरली इसी तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इसके रूट पर जो है एन आई डिपेंड कर रही है। तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन भी टेम्परेचर के साथ 3/2 पावर में डिपेंड करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बैंड गैप एनर्जी भी है, यानी कि इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बैंड गैप एनर्जी के साथ भी चेंज हो रही है। तो जब हमने मास एक्शन लॉ पढ़ा था तब मैंने क्या बोला था कि टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो ही हम मास एक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एन आई स्क्वायर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं एन आई तो चेंज हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लिखा था। अब नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एन सी एन वी ई पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी से बैंड गैप एनर्जी कैसे निकालेंगे। एन सी एन वी को मैं कहाँ ले जाऊंगी, राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस ई जी अपॉन के टी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन सी एन वी। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ई जी माइनस के टी एल एन एन आई स्क्वायर अपॉन एन सी एन वी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ के टी एल एन एन सी एन वी अपॉन एन आई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बैंड गैप एनर्जी का। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमने इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन और बैंड गैप एनर्जी को निकाला है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फर्मी लेवल एनर्जी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं
फर्मी लेवल एनर्जी को मैं EF से डिनोट करूंगी, और सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो बस वही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो हमेशा ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एन सी ई पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी इक्वल्स टू एन वी ई पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, एन सी को ले जाएंगे आर एच एस में और एक्सपोनेंशियल को ले आएंगे एल एच एस में। तो ये हो जाएगा ई पावर ई एफ माइनस ई सी माइनस ई वी प्लस ई एफ अपॉन के टी इक्वल्स टू एन वी अपॉन एन सी। टू ई एफ माइनस ई सी प्लस ई वी बाय के टी इक्वल्स टू एन वी अपॉन एन सी। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा टू ई एफ माइनस ई सी प्लस ई वी इक्वल्स टू के टी एल एन एन वी अपॉन एन सी। तो यहाँ से जो ई एफ आएगा ये बेसिकली क्या है, ई एफ आई जो कि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ किया है। तो सब जगह हम ई एफ आई करेंगे, ये यहाँ से आ जाएगा ई सी प्लस ई वी बाय टू प्लस के टी बाय टू एल एन एन वी अपॉन एन सी। तो एक फॉर्मूला तो हमें मिल गया ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एन वी को, अगर मैं यहाँ से देखूं एन वी किसके प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ होल की पावर 3/2। सिमिलरली एन सी किसके प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर 3/2। तो यहाँ से एन वी बाई एन सी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर 3/2। तो अब हमें वो कहाँ रिप्लेस करना है, यहाँ। तो यहाँ से फर्दर एक्सप्रेशन को हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ई वी बाई टू प्लस के टी बाई टू एल एन। एन वी बाई एन सी को हमें रखना है एम एच बाई एम ई की पावर 3/2। अब एल एन की पावर में 3/2 है तो वो कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया ई एफ आई ई सी प्लस ई वी बाई टू प्लस 3/4 के टी एल एन एम एच अपॉन एम ई। तो ये दो फॉर्मूले हमें मिल गए, और ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हमें एन वी और एन सी की वैल्यू दी हुई है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर हमें मास की वैल्यू दी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो हमने पढ़ा था कि मिडिल में होना चाहिए बैंड गैप, यानी सॉरी फर्मी लेवल मिडिल में होना चाहिए, यानी कि फर्मी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ई सी प्लस ई वी बाई टू। लेकिन यहाँ पर तो 3/4 के टी एल एन एम एच अपॉन एम ई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ होल के बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्मी लेवल, उस कंडीशन में फर्मी एनर्जी हो जाएगी ई सी प्लस ई वी बाय टू, और जो फर्मी लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा मिड गैप में। तो अगर हमें मास की कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला।
और अगर हमें मास या एनवी और एनसी की वैल्यू दी हुई है तो हमें दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे भी सेम देख लो, डेंसिटी ऑफ स्टेट कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में सेम ही होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो थर्मली जनरेटेड है वो क्या है, इक्वल इक्वल है। तो ये वाली जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, Ln₁ जो कि होता है 0। तो ये वाला जो फैक्टर है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, Ec+Ev/2। तो अब हमें ये दोनों फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले में साइड में लिख लेती हूँ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फर्मी लेवल एनर्जी फॉर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम सबसे पहले कौन सा सेमीकंडक्टर लेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया EFN से, एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो पहली बात, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं होल से। तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमें देखना है। अब जब हम टेम्परेचर को जस्ट इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन जो है वही एज एज कैरियर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, उनमें मेजोरिटी जो होंगे वो क्या होंगे, डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन्स, तो या डोनर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थर्ड जो फॉर्मूला है उसमें हमें रिप्लेस करना है एन को एनडी से। तो यहाँ पर मैंने थर्ड फॉर्मूला यूज किया है और एन को एनडी से रिप्लेस किया है, तो हमें मिला एनडी इक्वल टू एन सी ई पावर EF-Ec/kT। फर्दर सिंप्लीफाई किया मैंने, एन एन सी को मैं इधर ले आई और एक्सपोनेंशियल को इधर ले आई, तो ये हो गया EF-Ec/kT। यहाँ पे ये है EFN ln ND/NC। और सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो गया, EFN=EC+KT ln ND/NC। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, EFN=EC-KT ln NC/ND। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर फर्मी लेवल एनर्जी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये तो हमने देख लिया, और इसे मैं यहाँ पर लिंक भी देती हूँ। अब हम देखते हैं जो हमने इफेक्ट्स जो ऑब्जर्व किए थे यहाँ पर क्या हो रहा है, मैथमेटिकली हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, ये वाली टर्म जो हो रही है वो बढ़ रही है। और टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो अभी मैं टॉपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। अगर ये वाली टर्म बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, EFN क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, EFN डिक्रीज हो रहा है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये वाली टर्म भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है। तो देखो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो डोनर जो आयन्स है वो तो क्या है, सेम ही रहेंगे, उनमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन थर्मली जो जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है उनमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है उसमें भी इंक्रीज होगा। अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट में इंक्रीज होगा तो ये फैक्टर क्या होगा, ये कम होगा। अगर ये फैक्टर कम होगा और अगर ये लेस देन 1 हुआ तो
लेस देन वन होगा तो क्या होगा, एल एन लेस देन वन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे फाइनली जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, फर्मी लेवल जो है, फर्मी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फर्मी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पहले फर्मी लेवल एनर्जी कहाँ थी, यहाँ पर। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फर्मी लेवल एनर्जी कहाँ आई, डिक्रीज होगी कुछ, मान लो ई सी माइनस टू पर आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, मिड बैंड की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि इंट्रिंसिक बिहेवियर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये यहाँ पर भी हमने प्रूव कर लिया। अब हम देखते हैं कि डोपिंग इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है। देखो जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं क्या हो रहा है, एनडी की वैल्यू बढ़ेगी, एनडी की वैल्यू बढ़ेगी, और डोपिंग इंक्रीज करने पे एनसी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, लेस देन वन, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ई एफ एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अगर पहले ई एफ एन यहाँ पर था तो अभी कहाँ पर हो जाएगा, कुछ ई सी प्लस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने मान लिया। तो क्या हो गया, ये कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट किया, इसीलिए हमने, जो कि वहाँ पर भी हमने ऑब्जर्व किया था कि कंडक्शन बैंड की तरफ डोपिंग बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमने मैथमेटिकली वही सब देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मेजोरिटी कर रहे थे, उनको क्या लिया है यहाँ पर हमने, एनडी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, होल जो है वो मेनली एक्सेप्टर आयन से कंबाइंड बने होंगे, यानी कि शुरू में क्या होंगे, एक्सेप्टर आयन जो है वो डोमिनेट कर रहे होंगे थर्मली जनरेटेड होल्स को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन में मैंने पी को रिप्लेस कर दिया एन ए से, तो ये हो गया एन ए इक्वल टू एन वी ई पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी एल एन एन ए अपॉन एन वी। तो यहाँ से अगर हम निकाले ई एफ पी तो वो हो जाएगा ई वी माइनस के टी एल एन एन ए अपॉन एन वी। अब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था, तो रिमेंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एन सी की जगह एन वी और एन एन डी की जगह एन ए को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के टी एल एन एन वी अपॉन एन ए। ये हो गया हमारा फॉर्मी लेवल पी टाइप के लिए। ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, ई एफ एन में माइनस को प्लस करना है, बाकी सब सेम, एन सी को एन वी से रिप्लेस किया और एन डी को एन ए से। तो ये हो गया हमारा फर्मी लेवल एनर्जी फॉर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और सिमिलरली जो हमने टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पर देखे वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि फर्मी जो लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल है, उसमें जो शिफ्ट है वो कितना है, डिफरेंस उसमें कितना है, तो वो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं उसका। क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर मैं अप्रोच कर रही हूँ, शो डेट ई एफ एन, ई एफ एन क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप, माइनस ई एफ आई, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इक्वल्स टू के टी एल एन एन डी अपॉन एन आई। तो हमें ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमारे पास तो ये फॉर्मूले हैं, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके ही यहाँ पर प्रूव करना है। ई एफ एन को हम रिप्लेस कर देंगे 10th फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी।
अब EFI के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन जो RHS में है, उसमें मास का तो कोई रोल है ही नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ऊपर वाला। तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ EFI के लिए, जो कि हो जाएगा माइनस EC प्लस EV बाई टू माइनस KT बाई टू LN NV अपॉन NC इक्वल्स टू। अब हमें हमें क्या करना है, हम इसी को सॉल्व करेंगे और इसी को सॉल्व करके हम इसको लेकर आएंगे। ये मैंने क्या ले लिया इसको LHS, और हमें LHS को प्रूव करना है RHS के बराबर। तो अब फर्दर देखते हैं, EC माइनस EC बाई टू कितना हो गया? EC बाई टू और माइनस EV बाई टू माइनस KT LN NC बाय ND माइनस KT बाय टू LN NV बाय NC, ये हो गया LHS। फर्दर देखो, EC माइनस EV क्या होता है? बैंड गैप एनर्जी। तो यहाँ पर ये हो गया बैंड गैप एनर्जी। तो EC माइनस EV, इसको मैं साथ में लिख देती हूँ, EC माइनस हो गया EV हो गया बैंड गैप एनर्जी। अब हम यहाँ पर बैंड गैप एनर्जी का फॉर्मूला रख देते हैं। बैंड गैप एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा वाला? एट्थ फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा KT बाय टू LN NC NV अपॉन NI स्क्वायर माइनस KT LN NC बाय ND माइनस KT बाय टू LN NV बाय NC। फर्दर हम क्या करेंगे, LN की प्रॉपर्टीज लगाएंगे KT बाय टू, और KT बाय टू को हम साथ में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा KT बाय टू LN माइनस में क्या होता है डिवाइड, तो ये हो जाएगा NI स्क्वायर डिवाइडेड बाय NV बाय NC माइनस KT LN NC अपॉन ND। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, NV से NV कैंसिल हो जाएगा और NC हो जाएगा NC स्क्वायर। तो ये हो गया KT बाई टू LN NC स्क्वायर अपॉन NI स्क्वायर, या मैं इसको साथ में लिख देती हूँ इस तरह से, माइनस KT LN NC बाय ND। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉग के प्रॉपर्टीज को, टू को हम आगे लिया है, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया KT, उसके बाद LN NC अपॉन NI माइनस KT LN NC अपॉन ND। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KT LN NC अपॉन NI अपॉन NC अपॉन ND, तो ये हो जाएगा KT LN ND अपॉन NI। अब जो हमें शो करना था वो क्या शो करना था, यही शो करना था, तो ये हो गया RHS। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव। तो ये हमने क्या निकाला, बेसिकली फर्मी एनर्जी लेवल जो है किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर का, उसका शिफ्ट निकाला किसके रिस्पेक्ट में, फर्मी एनर्जी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमने यहाँ पर पोजिशनल शिफ्ट निकाला। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला हो गया EFN माइनस EFI KT LN ND अपॉन NI। और जैसे हमने एन टाइप के लिए निकाला, सिमिलरली पी टाइप के लिए क्या होगा, पी टाइप के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा EFI माइनस EFP इक्वल्स टू KT LN NA अपॉन NI। तो ये जो फॉर्मूला है मैं प्रूव नहीं करूंगी, बिल्कुल जैसे हमने एन टाइप के लिए प्रोसीड किया था, बिल्कुल पी टाइप के लिए भी सिमिलरली प्रोसीड करना है। तो जो हमें पोजिशनल शिफ्ट मिलेगा, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी और पी टाइप की जो फर्मी एनर्जी है उसमें, वो कितना होगा, के टी एल एन एन ए अपॉन एन आई, और ये भी हमें ध्यान रखना है।
तो ये फॉर्मूले जो है आपको ध्यान रखना है, फर्मी लेवल का जो टॉपिक है हमें हमारा उसमें ये सारे फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन गेट या ESC में इनसे आ सकता है। तो वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके फाइनल आंसर जो है वो आपको बता दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।